महिंद्रा बोलेरो आ रही है नए सनरूफ जैसे स्मार्ट फीचर्स में, बेहतरीन माइलेज और चार्मिंग लुक्स से महंगी से महंगी एसयूवी को देगी मात। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताने वाला हूँ महिंद्रा बोलेरो का जो नया वर्जन आने वाला है ना वो बहुत ही कमाल का दिखने में लग रहा है। और यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूँ कि महिंद्रा बोलेरो आ रही है नई सनरूफ जैसे स्मार्ट फीचर्स में, बेहतरीन माइलेज और चार्मिंग लुक से महंगी सी महंगी जो एसयूवी जो गाड़ियाँ हैं उन सभी को ये मात देगी। महिंद्रा की सबसे पॉपुलर एसयूवी बोलेरो का नया अवतार सामने आ चुका है। नई बोलेरो में कंपनी की ओर से नया लोगो दिया गया है। महिंद्रा कंपनी की तरफ से जो है पिक्स वाले लोगों को सबसे पहले एसयूवी 700 में दिया गया था, जिसके बाद स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक में भी ये लोगों को देखने को मिल जाता है। इन एसयूवी के बाद अब कंपनी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली इन स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल जो कि बोलेरो को भी अपडेट कर दिया गया है। नई महिंद्रा बोलेरो में एडवांस फीचर के साथ नया लुक भी दिया गया है। नई महिंद्रा बोलेरो एसयूवी में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नई महिंद्रा बोलेरो एसयूवी में चारों पावर विंडो है, चार स्पीकर्स के साथ टू डिन म्यूजिक सिस्टम, साथ में मैनुअल डिमिंग, रियर वॉशर के साथ वाइपर, एमआईडी के साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही महिंद्रा बोलेरो में एबीसी, ईबीडी और ड्यूअल एयरबैग्स के साथ सेफ्टी पर भी ध्यान दिया गया है। महिंद्रा बोलेरो में ब्लैक हेलोजन दिया गया है। हाँ, तो यहाँ पे महिंद्रा बोलेरो 2022 का जो हेडलाइट की बात करें तो ब्लैक हेलोजन के अंदर ही इसे लगा हुआ मिल रहा है। महिंद्रा बोलेरो एसयूवी की ग्रिल में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। इसमें डीआरएल के साथ टर्न इंडिकेटर भी देखने को मिल जाते हैं। इसके लोअर ट्रिम में फॉग लैम्प नहीं मिलता है। महिंद्रा बोलेरो एसयूवी की साइड प्रोफाइल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। महिंद्रा बोलेरो एसयूवी में मेटल का एक मजबूत बम्पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको बता दें कि इसकी जो है टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी जो है एसयूवी की माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इंजन इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो महिंद्रा बोलेरो में कंपनी की ओर से 1.5 लीटर की थ्री सिलेंडर वाला टर्बो चार्ज्ड एम हॉक 75 इंजन देखने को मिल जाएगा। इस इंजन के साथ बोलेरो की माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है जो कि स्टार्टअप की सुविधा देती है। इससे रोड पर जो है कार की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नई महिंद्रा बोलेरो में एम हॉक 75 इंजन से एसयूवी को 75 bhp और साथ में 210 यानी 210 Nm का टॉर्क जनरेट देखने को मिल जाएगा। महिंद्रा बोलेरो एसयूवी में ऑटोमेटिक 5-speed गेयरबॉक्स देखने को मिलने वाला है आपको। तो नई महिंद्रा बोलेरो की कीमत क्या होने वाली है, ये आपके मन में तो घूम ही रहा होगा ना। तो नई महिंद्रा बोलेरो रेंज में दो मॉडल बोलेरो और बोलेरो नियो बाजार में लॉन्च हुए हैं। महिंद्रा बोलेरो की एक शोरूम कीमत 9,53,000 रुपये के से लेकर के 10,48,000 रुपये के बीच रखी गई है। नई महिंद्रा बोलेरो नियो में बेस वेरिएंट की कीमत तकरीबन 9,48,000 रुपये रखी गई है। इसके टॉप वेरिएंट के लिए एक शोरूम कीमत 11,99,000 तक पहुँच जाती है। तो यहाँ पर जो है टोटल अपडेट था। और अगर आप भी अगर मतलब शौकीन हो महिंद्रा की गाड़ियों के बारे में तो यहाँ पे आप एक बार ट्रायल जरूर मारिए। महिंद्रा की जो नई वाली जो बोलेरो है उसको एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए, हो सकता है आपको ये पसंद आ जाए क्योंकि दिखने में बहुत ही कमाल की एसयूवी कार लग रही है ये। तो फिलहाल चलो, आपको ये वीडियो कैसा लगा बताना नीचे कमेंट करके। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।